बार क्या लग रहा है, आपकी बार क्या होगा? इकरा को जिताऊंगे। इकरा को? हाँ। क्यों प्रदीप साहब को नहीं जाता जी? आई नहीं आज तक, कभी देख नहीं इलाके में। काम तो मैं तेरे कह रहे कर, एक भी करा काम पूरे इलाके में। कोई शकल भी नहीं आदमी बता सकता कि ये हमारे एमपी साहब की शकल है। पूरे गांड में आप मालूम कर लो, फिर घूम लो। आज तक आई नहीं कोई यहाँ, मतलब जमुना में बाढ़ में इतना पानी आया, आज तक आई नहीं। यहाँ देखने भी नहीं आई, कौन मरे कौन जीवे क्या हुए क्या नहीं। अच्छा। जीत हार तो ऊपर लेगा हाथ में, वो आपके ना मेरे किसी के नहीं, लेकिन यहाँ पर इकरा सन से सम्मान करते हैं लोग। अच्छा। हाँ, उनका ज्यादा सम्मान। हाँ, ज्यादा सम्मान हो। बताओ कहाँ पहुँचती सब्जी? सब्जी 60 रुपए किलो और भी है, 50 रुपए किलो तोरी है। अभी हम मजदूरी 400 रुपए की, मजदूरी 600 रुपए, जब तो मजदूरों काम चले 400 रुपए में क्या हो। क्या नाम है जी? शौकीन है? शौकीन। शौकीन जी, कितनी बार प्रदीप सांसद जी आए मिलने के लिए? यहाँ तो देखा ही नहीं भाई, 5 साल हो गए। देखे नहीं? देखा भी नहीं, आया ही नहीं यहाँ तो। अच्छा। हाँ, यहाँ तो है ही नहीं। अच्छा। और तो वोट किसने दिया था? दे दे जी, मैडम तो दिया था वो। तो अब की बार क्या लग रहा है, अब की बार क्या होगा? इकरा को जिताऊंगे। इकरा को? हाँ। क्यों प्रदीप साहब को नहीं जाता जी? आई नहीं आज तक, कभी देख नहीं इलाके में। काम तो मैं तेरे कह रहे कर, एक भी करा काम पूरे इलाके में? कोई काम नहीं करा इलाके में, एक भी करा। अजी आए तो होंगे तार से मुलाकात करने, वोट तो मांगने आए होंगे। ऊंचे पर दानी तो खड़े हैं जी। आज तक कोई शकल भी नहीं आदमी बता सकता कि ये हमारे एमपी साहब की शकल है। पूरे गांड में आप मालूम कर लो, फिर घूम लो। आज तक आई नहीं कोई यहाँ, मतलब जमुना में बाढ़ में इतना पानी आया, आज तक आई नहीं। यहाँ देखने भी नहीं आई, कौन मरे कौन जीवे क्या हुए क्या नहीं। अच्छा। तो आप देखो इस बात में, तो कह रहे कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, हम उनके पास गए हैं। बात ये है भाई, बैठे हिंदू भाई भी बैठे हो रहे, मुसलमान भाई भी हैं, इनसे पूछ लो आप, मालूम कर लो। चलो अगर मैं झूठ बोल रहा तो हिंदू भाइयों से मालूम कर लो आप। मतलब आई नहीं यहाँ कभी, मुलाकात नहीं हुई। वोट मांगने तो आए होंगे, जब आए उसके बाद आज तक नहीं आए। अच्छा। वोट से पहले आए, उसके बाद आज तक नहीं आए इस इलाके में। पूरे वोट मांगने आएंगे तो फिर वोट आप उनते ही दोगे? वो तो नहीं, वो तो पब्लिक देखे ही कहाँ देना है। अच्छा। भाई जो पब्लिक का साथ देगा, पब्लिक उसका देगी। अच्छा। इसमें तो कोई वो नहीं। हाँ बिल्कुल देंगी। अच्छा। हाँ, टक्कर तो हमेशा देंगी। अच्छा। देखो जीत हार तो ऊपर लेगा हाथ में, वो आपके ना मेरे किसी के नहीं, लेकिन यहाँ पर इकरा सन से सम्मान करते हैं लोग। अच्छा। हाँ, उनका ज्यादा सम्मान। हाँ, ज्यादा सम्मान होता है। अच्छा जी, बीजेपी ने कोई काम बेहतर किया या नहीं करा? हाँ, क्या करा हो रहा है? कुछ नहीं करा। अच्छा। बीजेपी देख कह रहे गुंडागर्दी पहले यहाँ बहुत हो गई थी, कम होगी अब? गुंडागर्दी तो कम है, फिर बाकी तुम देखते आ गए? अच्छा। कुछ भी नहीं देखते, कोई मर है जीव है क्या है क्या नहीं। अच्छा, भेदभाव तो नहीं होता? ऐसा तो नहीं होता कि भाई उसे राशन नहीं मिलेगा तभी नहीं मिलेगा? नहीं, भेदभाव तो यहाँ है नहीं ना, हमारे में है, हमारे तो हिंदू भाई हम एक है। अच्छा। हमारे यहाँ कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं है ना? हमारा नहीं है कुछ, बीच बाच में कुछ नहीं रहे हुए। अच्छा, तो अब की बार गठबंधन को वोट दोगे? देंगे जी इंशाल्लाह, उम्मीद है। नहीं उम्मीद है? हाँ, इकरा को देंगे। गठबंधन को देंगे भाई ये तो। क्या नाम है भैया तुम्हारा? परवेज। परवेज भाई, क्या गठबंधन जो ये तैयार हुआ है अब की बार उसकी तरफ है बीजेपी की तरफ? भाई मुझे तो इसके बारे में पता नहीं कुछ है। है जी, तभी बता दो। हाँ नहीं बताओ भाई, यहाँ तो गठबंधन को वोट देंगे। अच्छा, गठबंधन को वोट दोगे? यहाँ भेदभाव कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान सब भाई एक जगह है, ठीक ठाक रहे ना, यहाँ लड़ाई तो कुछ दंगा। अच्छा। रही बात उसकी, पब्लिक का ज्यादातर उसी पे गठबंधन में ध्यान। अच्छा। यहाँ कोई वो नहीं है जो करे भड़का हुआ भाषण दे उठे सीधा, यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक है बिल्कुल। अच्छा, मतलब हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड चलने वाला यहाँ चलना? अच्छा। यहाँ तो सब एक है बिल्कुल, मोहब्बत प्यार है सब में। अच्छा। सब में एक भाईचारा है? भाईचारा बहुत बढ़िया, बैठे उठे बैठे सब। अच्छा, नु कह रहे हैं 2017 से पहले यहाँ इतना बुरा हाल था, बाहर भी नहीं निकले थे, 8 बजे गेट बंद हो जाते। कश्यप भाई बैठे है जी? कश्यप भाई बैठे। अच्छा, नु तो बताओ, नु कहते हैं कि 2017 से पहले यहाँ 7 बजे गेट बंद हो जाते, अब भी ऐसे हालात हैं या बदल गए? ये तो गुंडा करते बदल रहे हालात, वो तो बदल रहे, लेकिन यहाँ वो कोई भेदभाव नहीं है हिंदू मुसलमान वाला जो कर बार हो रहा। नु कह रहे कि मुस्लिम तो बीजेपी को वोट दे रहे बहुत दब के, पूरा बढ़िया काम चल रहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो जो जिसका मन है वो देगा। अच्छा। मारो मन नहीं है, है जी? अब अपने मन की बात है, जिसने जहाँ देना वोट वो वहाँ आजाद है। हाँ। कहीं भी दे सकता है। अच्छा। हाँ ठीक है जी। क्या नाम है जी? अजीम भाई, मेरे भाई बता तो दो।
बताओ नाम क्या है? विनोद है जी। विनोद, विनोद जी नू बताओ कुछ फायदा हुआ बीजेपी सरकार में? नहीं अजी, भूखे मर लिए। अच्छा, रोजगार खुश गया। हाँ हाँ, सरकार तो कह रही है हमने बढ़िया काम कर दिए जी। बढ़िया काम कर, आज लोगों को ये चार साल पीछे जा ली जो मजदूरी थी हमारी। अच्छा हाँ, और पीछे जा लिए जी, विकास करके दोबारा काम नहीं होगा तो तुम्हारी मजदूरी लगने की। अच्छा हाँ, मैं तो कह रहा मजदूरों के लिए हमने बतेरा काम कर दिया, राशन मिल रहा, फ्री राशन मिल रहा पूरा। अजी राशन तो मिल रहा, राशन के कुछ और भी तो चाह। अच्छा जी, हमारी मजदूरी लगने राशन का क्या करेंगे इतने का? अच्छा हाँ, मतलब समस्या ज्यादा है। हाँ जी, समस्या ज्यादा है। तो हल कैसे होगा? हल यह होगा ना, ईद लड़ेगा और उसे वोट देंगे हम सब मिल। अच्छा, गए हाँ। बदलाव करोगे अब की? बदलाव होगा जी। अच्छा, बदलाव होगा। क्या नाम है जी? मैं यहाँ से नहीं हूँ। कहाँ से हो? मैं जिला मुजफ्फरनगर कस्बा कतौली से। अच्छा, कतौली से हो, तो वोट तो वहाँ भी दोगे? वो वहाँ बताएंगे जैसा कुछ होगा अभी। क्यों, संजीव बाल्यान ने क्या करा? काम नहीं करा वहाँ? क्या क्या करा? कुछ भी ना करा उसने तो। अच्छा, गरीबों के लिए क्या करा उसने? मैं तो कह रहे हमने गरीबों के लिए बहुत काम कर दिया, हम तो मंत्री हैं, हमने तो सारे काम करवाए, रोड बनवा दी, सारे काम कर दिए। गरीबों की मजदूरी कहाँ रहेगी? ये तो भूखे मर रहे। अच्छा, अभी वो बताओ 400 रुपए की मजदूरी, 400 रुपए में क्या हो? 400 रुपए तो सब्जी भी नहीं बनती। सब्जी कहाँ पहुँच रही आज? हाँ। बताओ कहाँ पहुँच रही सब्जी? सब्जी 60 रुपए किलो और भी है। हाँ। 50 रुपए किलो तोरी है। हाँ। अभी हम मजदूरी 400 रुपए की। अच्छा। मजदूरी 600 रुपए जब तो मजदूरों काम चले। हाँ। 400 रुपए में क्या हो? अच्छा, तो क्या मंदा कर दिया, महंगा कर दिया और भूखे मर गए हम तो मजदूर। अच्छा भाई साहब, रोड खाओगे हम? हम तो खाओगे जो हमें फायदा होगा। हाँ। सब्जी में, अनाज में, आटे में। हाँ। अदर जब भी होगा भाई साहब, हम मंत्री बना लगा रोड या कोठी बना दी, कोठी में हमें रहना, हम तो मजदूर। राशन भी तो दे रही सरकार। कते भी राशन ले रही? हाँ। एक आदमी 5 किलो राशन है, क्या 5 किलो में महीना निकल देगा हमारा? सोचो आप। अच्छा। मजदूर खावे 1 किलो राशन रोज का। हाँ। मैं बुढ़ा आदमी 1 किलो आटे रोज खाऊं मैं। अच्छा, क्या एक दलिया आटे को महीने में कमा मुझे और नहीं काम मुझे? अच्छा, बीमार हूँ, तकलीफ मेरे देखिए, क्या करूं, पैसा कहां से लाऊं? हाँ। संजीव बाल्यान जी ने तो फ्री का वहाँ वो भी खुलवा रखा हॉस्पिटल, उसमें जाओ। अजी फ्री का चलेगा, एक दिन फ्री में दवाई दे रहे कभी? हाँ। वे दवाई ऐसी ना देते जो दवाई काम करे, बका रहे मरीजों को। अच्छा, अगर बढ़िया दवाई दें। हाँ। तो ये प्राइवेट नर्सिंग होम में कोई नहीं जाने का। अच्छा हाँ जी, तो बीजेपी ने कोई काम बेहतर नहीं करा? मतलब बढ़िया नहीं करा जी, मजदूर के हक में परेशान हो? परेशान है भाई साहब पूरे हम तो। तब की बार गठबंधन को जिताओगे? बस वो कुदरत का हुक्म है, जिसे देगा मालिक। अच्छा, वो तो उसे कब्जे काम है, हमारे कब्जे काम क्या है? हाँ। कब्जे का है तो वोट देना है। वोट देने? हाँ। सब आदमी आजाद है, जहाँ जिसका जिगर का वहाँ देगा।